आप धक्के खाओ कितने कितने दिल्ली चंडीगढ़ फलाना दखड़ा गड़गामा जान की जरूरत नहीं खाओ खाओ करके भी दिखाओ हाँ बिल्कुल करके दिखाते जी और वो भी चैलेंज के साथ हौसला है तो हौसला ना मैं ठीक हो रही हूँ इनको कैंसर था ब्रेस्ट कैंसर था और डॉक्टरों ने दे दिया था ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है सही आराम हुआ से पाड़े ठीक हुआ है बिना काटे पीटे बिना किसी प्रकार से वो सारी की सारी किसी भी प्रकार की गांठे हो कैंसर की भयंकर से भयंकर बीमारी कैंसर की जो फोर स्टेज की सब ठीक है हाँ तो डॉक्टर साहब ने इलाज कराया है उससे हमें बिल्कुल पूरा आराम चल रहा है दिखने में तो सामान्य पोटली है लेकिन इसमें कम से कम 100 से भी ऊपर ज्यादा जड़ी बूटियाँ हैं भगवान ने मेरे नाम का मुझे आप बात समझ रहे हो हाँ बिल्कुल पहले बिल्कुल समझ रहे थे किसी को बिना बोल सकता ये हाथ नहीं काम कर रहा था कर सकता है आराम है तो आराम है गौ माता हो गई है तो इन्हीं के ही पंचगव्य से ही हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं जो बिल्कुल ये कहते हैं ना प्योर आयुर्वेदिक अगर गरीब हैं उनके लिए हम अगर वो सामर्थ्य नहीं उनका पे करने का तो उनको हम निशुल्क भी ट्रीटमेंट कर देते हैं और डिस्काउंट देने वाला डिस्काउंट वाला भी जी बिल्कुल है एड्रेस के साथ नंबर यू है भाई लखवा के कैंसर के जो मरीज हैं आप धक्के खाओ कितने कितने तो आपने रोहतक में आसपास के लोगों ने दिल्ली चंडीगढ़ फलाना दखड़ा गड़गामा जाने की जरूरत नहीं और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ जब देखो गऊ कर्णम हॉस्पिटल यानी कि जिस गाय की आप बात करा तो आपने तो बेरा है गाय का दूध में मूत्र में और दूध में क्या ताकत है लेकिन आयुर्वेद आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज़ है तो इन सारी बीमारियों का आड़े इलाज लेकिन लकवार कैंसर ऐसी बीमारी जिस खतर बहुत बिरान हुआ मरीज मेरे साथ आचार्य सुमित है उनके सहयोगी आज जी आज एक बार बोलो गौ माता की जय हो एक बार राम राम भी करते राम राम जी सभी दर्शकों को राम राम आचार्य सुमित जी देखो बात आ रहा है लिखतम सच्ची भक्तम झूठी एक आ रहा कैन कैन की बात एक आ रहा करण की थम कहूँ कहूँ कहो करके भी दिखाओ हाँ बिल्कुल करके दिखाते जी और वो भी चैलेंज के साथ अच्छा अच्छा बिल्कुल चैलेंज और लकवा इसी चीज हो रही है मतलब ढके डोलो रहे हर घर में एक पेशेंट लकवा का हूँ तो इन बीमारियां सारी आगे लकवा कैंसर ये दो चीज इसी जिस बदल बहुत दहड़े हुए आप बताओगे एक बार किस तरह ठीक करो आप आ जाओ भाई मोहित आगे आ जाओ भाई एड्रेस भी दिखाओगे तो अपने बाद में बाहर एड्रेस है एक बार एड्रेस बता दो आप हाँ जी एड्रेस हमारा ये गोकर्ण हॉस्पिटल है जींद बाईपास चौक है मेन रोहतक हरियाणा दाएं मुड़ एड्रेस के साथ नंबर यू है सामने ये नंबर है भाई दिखा दो नंबर का स्क्रीनशॉट मार लो आपके लिए काम की उसका वीडियो क्योंकि आप तो दे फिर अगर भाई को कैंसर का बढ़िया डॉक्टर हो लकवा का हो अपने भाई आधा तो मरीज जीव तंग होले है सुमित भाई जीवन में बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलता हाँ तो बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलते बताओ क्या फैसिलिटी जी यहाँ जी सब अपने आयुर्वेद है अपना पंचकर्मा षटकर्मा और जैसे अपनी थेरेपी वगैरह होती है ना पोटली मसाज है बैंग है उनके द्वारा यहाँ इलाज किया जाता है उसमें कई तरह की जैसे मिट्टी चिकित्सा भी है टोटल बेड हमारे यहाँ लगभग 50 पेशेंट एक साथ एडमिट हो सकते हैं जी अच्छा, उसमें हमारे कुछ डिलेक्स रूम भी हैं जो अच्छा, देखो सुमित भाई एक बड़ी समस्या आती है कई बार आयुर्वेद का जब नाम आवा नहीं और देसी दवाइयों की बात है जो बीएम उसकी बीएमएस की बात है जो या आचार्य डिग्री की बात है जो फिर सोचते एकदम क्यों संभालेंगे मरीज इमरजेंसी हो तो उसको संभाल लो हाँ जी बिल्कुल क्या सिस्टम आपके पास इमरजेंसी में तो देखो किसी भी प्रकार की जो भी फैसिलिटी है ना हमारे पास आईसीयू भी है दिखाओ दिखाओ और ये आईसीयू है हमारा देखो भाई वेंटिलेटर वगैरह आप साथ साथ में ये देखो आधुनिक फैसिलिटी भी है आधुनिक फैसिलिटी है जिसमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी केस हो जाता है 24 आवर्स तो यहाँ सारी सुविधाएं हैं अच्छा एक आध ये भी आ रहा है भाई क्योंकि कई बार हमने देखा है डिलीवरी वाली जो महिला होती है नजदीक में कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं मिले नहीं तो जानते जानते कोई दिक्कत हो जाए और फिर भाई नुगार मार पाचा पुकार को नहीं हर जान कीमती है माँ भी बालक भी दोनों ना अपनी जान जोखिम आ जाए तो वो सुविधा भी है वो भी दिखाओ गला गला देखते रहो भाई लकवाड़े कैंसर वाले उन खातर तो या एक किस्म का इन्होंने नुका दिया अभी मैं बात कर रहा था सुमित जी से चौथी स्टेज वाला भी नुको है अच्छा हाँ जी मिलवा दे मैडम है हमारी गायनी की है जो डिलीवरी के लिए आप बात कर रहे थे अच्छा जी हाँ जी राम राम कर दो नमस्ते जी नमस्ते ये बहुत बढ़िया लग गया एक बार बोलो जय गौ माता जय गौ माता गौ माता की जय क्या बात मजा आ गया चलो ये देखे जी महिलाओं के जो विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ हैं खासकर डिलीवरी के जो हुए हैं और दूरी होने की वजह से बहुत सारे केस ऐसे होते हैं मैडम कि भी दूरी है हॉस्पिटल दूर है नज़दीक में मिलता नहीं तो डिलीवरी वाली जो महिला होती है उसके बच्चे को और माता को जच्चा बच्चा दोनों दिक्कत का सामना करना पड़े तो यहाँ विश्वास के साथ आ जाए बिल्कुल सर हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है बीएमएस ओके जी सर तो आप मतलब
ऊंट देखूं तो इसकी कोई वो नहीं होंगे। आपने कितने डिलीवरी केस अभी तक टैकल कर चुके हैं? मैं 50 से लेके 60 तक डिलीवरीज अब तक करा चुकी हूं। सेंचुरी मारने वाले हो? जी सर। आ जाओ जी, आ जाओ, बुध रहो ये हमारा जी उधर बैठा के निकल जा। ये सारी सुविधाएं हमारी लेबर रूम है, तो हर प्रकार का ऑपरेशन सुविधाएं हैं यहाँ, डिलीवरी के लिए सारी सुविधाएं हैं। चलो आगे इमरजेंसी के लिए जी, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन वगैरह अगर ज़्यादा क्रिटिकल केस आते हैं, ज़्यादा सीरियस केस हैं, तो उनको हम एलोपैथी के माध्यम से भी यहाँ सर्जरी वगैरह ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ देखो, एक आधा नूनू आ रहा है बैम बैठ जा रहे हैं, नौ मन तो एलोपैथी चाहिए, हालांकि मैं इसका पक्ष में नहीं हूँ भाई, लेकिन किसी का नू बैम में बैठ गया हो तो बैम की दवाई भी है। हाँ बिल्कुल जी, आज के युग में दोनों चीजें जरूरी हो गई हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं शरीर भी आदत पकड़ गई। हाँ जी बिल्कुल, शरीर कुछ आगे इसी आदत पकड़ गई, अंग्रेजी दवाई का डाले पड़ के ये है डाला पड़ना। हाँ जी बताओ जी, इसके डिलीवरी वाले इसके बारे में बताओ। सही है, हमारा लेबर रूम, ये डिलीवरी टेबल, इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास क्रैश कार्ट है, बेबी वेइंग मशीन, मतलब जच्चा बच्चा के लिए हमारे पास पूरी सुविधा है, सारी सुविधा है। मतलब एकदम से कोई आपात इमरजेंसी का केस आवे तो आप अच्छी तरीके से, हम प्रिपेयर्ड हैं सर बिल्कुल। क्या नाम है? डॉक्टर पूजा दलाल जी। चलो, ये पूजा दलाल जी हैं, इन्होंने बात की है, आज ही वहाँ के मेरी वीडियो देखते हो? जी सर। किस इलाके हैं? बहुत बढ़िया समझ में आ जाए बिल्कुल सर। सिर के ऊपर को तो नहीं जानती बात? नहीं सर, जाट हूँ मैं भी। जाट के ठाट ठोक दी बात जी। इमरजेंसी के लिए जैसा बताया वो उधर हमारे रूम थे जिसमें एडमिट के लिए, ये हमारा रिसेप्शन है। आ जाओ भाई जी, ये रिसेप्शन भाई जी जी, ये हमारा वेटिंग रूम है, और आगे इमरजेंसी जैसे बोलते हैं कि इमरजेंसी के लिए सारी सुविधाएं हैं, तो वेंटिलेटर ऑक्सीजन वगैरह सब सारी सुविधाएं जी बिल्कुल, हम अपने अपने हैंड से ही तैयार करते हैं, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवाते हैं, यही तैयार करवाते हैं। जैसे अपने गौ माता हो गई है तो इन्हीं के ही पंचगव्य से ही हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, जो बिल्कुल ये कहते हैं ना प्योर आयुर्वेदिक, और पंचगव्य से ही इसमें सारी के सारी आप लोगों को दिखाई देंगी। वो पंचकर्मा का जो मामला होता है भाई साहब, उसके लिए आपके पास दिखाई नहीं मिले लोगों जो पंचकर्मा की? वो जी बिल्कुल है, आपको दिखाएंगे। अच्छा भले, रुको जरा सबर करो। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक बात है, इन देख के ईसा लागे जनो ये डॉक्टर हो? हाँ जी, कहाँ से है आंटी? हाँ जी, हम तो है ना जी बहुत दिन से है ना, गुड़िया का सारे कांड लिए थे और कितने भी इलाज नहीं रहा था, इसका है ना मेन चीजा की दिक्कत थी, तो डॉक्टर साहब ने इलाज कराया है, उससे है ना बिल्कुल पूरा आराम चल रहा है बिल्कुल। ये माता जी ने एक बहुत गहरी बात कही, जो पीरियड की समस्या महिलाओं में बहुत बहुत दिक्कत आओ भाई। ये माता जी इनको ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा जी, आप ठीक हो माता जी? बहुत आराम है, छठा महीना लगन है। हौसला हो गया? और डॉक्टरों ने कह दिया था ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, तो आज माता जी अपने मुंह से खुद कह रही हैं निकालनी पड़ेगी। मैं नहीं निकली, भगवान ने मेरे नाम का। एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो भगवान ने, फिर नहीं तो फिर डाकू मिल जाए तो पेंडा छुटा दे मेरा रिश्ते। हाँ जी, पहली बार आई हूँ। आपको अच्छा, चलो पहले नुम बताओ हॉस्पिटल की साफ सफाई, इनकी ये जो सुविधाएं हैं, संतुष्ट होंगे? सब ठीक है। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, क्या सपना आपका? हुँ? सपना पता, सपना क्या होना चाहिए हर व्यक्ति का? हर व्यक्ति का सपना बोले पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहना सपना है, इस सपने को पूरा कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, पूरा कर देंगे। और भी हमारे कुछ पेशेंट हैं जो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे, जो डॉक्टर ने बिल्कुल लास्ट चौथी स्टेज वाले भी कुछ ऐसे पेशेंट बताए हैं सुमित जी ने, आचार्य सुमित ने भी, उनको भी हमने ठीक कराया है। आजो भाई आजो, चलो भाई राइट ले भाई, ये देखो भाई, ये कौन से गए? क्या दिक्कत? नमस्ते जी, इनकी दिक्कत है? राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है अपना? रत्न है जी। है जी रत्न। अच्छा रत्न कहाँ से हो ताऊ जी? बम्बई वासे। क्या दिक्कत थी? मेरा दिक्कत जी पीलिया नहीं दिख रहा। अच्छा ये दवाई ली हट है? ठीक हो
चलो यार, जवाब दे दिया था कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, लेकिन अपने मुंह से खुद बताएंगे कि इनको कितना आराम हुआ, इनको 3 महीने में ही कितना आराम हुआ है, आज ये बिल्कुल कितना आराम हो गया। अंकल जी आराम तो खूब हो गया था, सारा आराम हो गया था फिर के गया आराम बोर्ड का बने हैं। चलो हाँ भाई लैब तेरे में कोई तो कोई ऐप तो नहीं? नहीं सर लैब में ऐप नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ये हमारे स्लो केस पैरालिसिस के जी हैं जो हर प्रकार कौन से इसको भी ठीक है कौन से इसमें है। अच्छा आ जाओ भाई, मैं तो आगे ले रहा हूँ अच्छा साहब कैंसर का कोई बात नहीं। क्या नाम भाई? मुकेश। घबराओ ना, हिम्मत रखो, आराम है कुछ? हाँ आराम है। घर क्या के फोन करके कुछ नहीं, मैं डॉक्टर के पास। खुश है भाई? कहाँ दिक्कत आ गई थी भाई आपको? मेरा पैरालिसिस हो गया था इस साइड, अब तो इतना आराम है कि पहले बोल नहीं पा रहा था, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। मेरी आप बात समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, पहले बिल्कुल समझ रहे थे, किसी को भी ना बोल सकता, ये हाथ नहीं काम कर रहा था, कर सकता है। बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि चल भी फिर भी नहीं पाते थे, बल्कि आंखों में भी ऐसी समस्या हो गई थी कि इनको डबल विजन हो गया था, लेकिन आज ये खुद से ही अपना ड्राइव करते हैं और खुद से अपना चलते फिरते हैं। चलो ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है जिनके लिए हम यहाँ आप लोगों तक जानकारी देने पहुंचे हैं। भाई वो नहीं दिखे आपके पंचकर्म आगे अस्त्र शस्त्र दिखाएंगे जी, कैसे हम ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं वो। आप प्राइवेट रूम भी है जी? प्राइवेट रूम है ये। अच्छा। तो प्राइवेट रूम से अगर कोई ऐसे मरीज है कि जिनको रिक्वायरमेंट रहती है कि एसी में ही हमें लेना है या फिर एसी सुविधा ही चाहिए, तो एसी भी है और नॉन एसी भी है और जनरल वार्ड भी है हमारे पास। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इतना पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए गरीबों के लिए भी हर प्रकार की सुविधा है यहाँ। ये हमारा पंचकर्मा रूम है। अच्छा ठीक जी। जो हम पोटली वगैरह से, जैसे ये पोटली है हमारी, इनमें कई तरह की हमारे पास जैसे जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे हमारा एरंड है, धतूरा है, मेथी है और कई प्रकार की औषधियां सौगंधा जैसे, उन्हीं से हम यहाँ देखो ये थेरेपी वगैरह करवाते हैं। लो भाई, तो इसमें जी ये जादू की पोटली, जादू की। राम राम जी, राम राम। आराम है? आराम है। बताओ तो मेरा अंधे खुश हो गया रे। हो गया नहीं आराम? आराम हो जाएगा ना मेरा भाई, मन दिमाग सही है, शरीर है, परेशान हो मेहनत करे है ये। परेशान की एक ही मात्रा तोड़ते है, प्रसन्न बनाते है, प्रसन्न। हाँ प्रसन्न है ही है, ये भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। चलो दर्शन, और मेरे दर्शन करके हो गया प्रसन्न? हाँ बिल्कुल, और बढ़िया मेरे भाई। कहाँ से आता हूँ जी? रोहतक से ही। क्या नाम है? वजीर नाम है। चलो चलो भैया, जादू की पोटली है। आपको बताएंगे कि जैसे ये पोटली है, एक सामान्य दिखने में तो सामान्य पोटली है, लेकिन इसमें कम से कम 100 से भी ऊपर ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। ये हम अपना पंचकर्मा थेरेपी के माध्यम से ही ट्रीटमेंट करते हैं। जड़ी बूटी कहाँ से लाते हो भाई? ये जड़ी बूटियां जी कुछ तो हम अपना हिमाचल से लेके आते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, कुछ अपनी यहाँ से पर्चा विजिटिंग कार्ड ले। सुनो भाई, इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद आप लोगों को ठीक ठीक चिकित्सा तक पहुँचाना, ठीक ठीक डॉक्टर तक पहुँचाना, नियत आले, साची नियत आले, और अपनी मेहनत करो। अच्छा डॉक्टर हो जो दिल से मेहनत करे। पहले नू सोचने की आदत तुझे, काटा पिटी वाले डॉक्टर बहुत पाओ देखो सुमित भाई जी, भाई इलाज के नाम पर छोड़ लो, फिर के बना फंसक नहीं फंसे। एक आधा को गरीब गुरु बाय जे, और किसी की एक अभी बीमारी तो इतनी हो और पद को सांप रह दे, तो इस तरह के डॉक्टर का जंजाल में बहुत फंस रहे मरीज जी, जी। तो ऐसा तो काम होता अपने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, बल्कि आपने जैसा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो अगर गरीब है उनके लिए हम, अगर वो सामर्थ्य नहीं उनका पे करने का, तो उनका हम निःशुल्क भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। डिस्काउंट देने वाला? डिस्काउंट वाला भी जी बिल्कुल है, जैसी कंडीशन वैसे उसी के अनुसार इलाज करते हैं। लेकिन हमारा आपका डिस्काउंट जो है नी वो तो है, जो हमारी वीडियो ने देखा है आप पूछे उनको भी अलग डिस्काउंट है जी, वो जो वीडियो को देख करके आएंगे शेयर करके जो होगा भाई, और जितना भी हो सके देखो ये भी एक सेवा का ही काम है, आप लोग अगर शेयर करते हैं तो ये सोचो कि आप लोगों ने एक सेवा की है। शेयरिंग के सपाटे मार दो भाई, आजकल सपाटे सपाटे हो रही है, शेयरिंग के सपाटे मार दो। आ जाओ एक बार पर्चा मंगा दो भाई, क्लोज करांगे फिर। आड़े किया भाई, रसोई में ले रहे आचार्य जी, रसोई में बर्तन
यहाँ जो भी खाना पकता है, जो भी जैसे यहाँ जो भी पेशेंट रोगी आते हैं उनको मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जाता है और वही दिया जाता है, बिल्कुल सात्विक। एक चीज आचार्य जी, आप पहले क्या नहीं करते, अपनी जो रसोई है नी वो ही अपना विज्ञान है, वही विज्ञान है। रसोई के विज्ञान को जिंदा करना है तो अपने बैक टू द रूट अपनी जुड़ना पड़ेगा। एक रसोई ही ऐसा है जिसको हम रसोई कहते हैं ना, तो इसमें भी हमारी जड़ी बूटियां ही हैं और इसी के माध्यम से अच्छी रसोई होगी ना तो ये सोच लो कि घर परिवार भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। रसोई रसोई तो काम चलता भाई साहब, रसोई भी देखना पड़ेगा। आज जरूर आने चाहिए, आज और आने चाहिए, दोनों रसोई आओ जी, आज रसोईया का भी देख लें। हाँ जी, आपने ये जो मिट्टी के बर्तन में बनाओ हो जो भी दवाई खाना जो भी मतलब ऊ जो सटील वाले रूम में बनाओ उसमें इसमें मजा कौन सा बनाने में आवा है इसमें आवा सर। आप ये तो बीमार होते नहीं है भाई क्यों सर जी, ये बीमार कौन है क्यों, इनकी सुगंधी खुशबू। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है? बबली है जी। बबली, आपका नाम? सोनिया सर। सोनिया, तो ये आड़े बनाओ भाई, अच्छा खाना यही बनता है? जी यही खाना बनता है। वाह, ले भाई पर्चा, इसका मार लो स्क्रीन शॉट क्योंकि आपके लिए काम की चीज है। देखो मैं तो भाई नोचा हूँ, आपने जाना तो है ही मरीज को कितने कितने लेके जाना, ठीक जगह पे है, ठीक ठिकाना पे, अच्छे डॉक्टर पे है, और आयुर्वेदिक तो है, सोच भी आयुर्वेदिक होनी जरूरी भाई, इनकी सोच भी आयुर्वेदिक। इसे पर रखते मार लो स्क्रीन शॉट भाई, क्यों आचार्य जी भाई, एक तो दवाई आयुर्वेद हो और एक सोच भी आयुर्वेद हो, सोच भी आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक सोच भी होनी जरूरी है नहीं, एक मन में विश्वास होता है ना तो बीमारी ठीक होती है। अगर आप देखो कितनी भी लाखों करोड़ों की दवाइयां खा लो, अगर जब तक मन में विश्वास नहीं है और इन चीजों को परहेज अगर आप नहीं करते हैं तो बेशक आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो उसका इलाज नहीं है। अरे भाई खिलकी रुक के कौन मारते, यहाँ आराम तो नुगा में मार तो रहा है जो इलाज करते हैं हम तो, नुगा तेरा इलाज पहन दूंगा ये मन नहीं इलाज है नहीं तो आजकल उसे मिला भाई साहब, घर घर में लड़ाई चल रही, मैं बांधू हतरा इलाज चुटकुला याद है क्या, एक जना के चार छोरे थे, नू बोला भाई के करे चारू छोरे, बोला चारू डॉक्टर है, बोला नू को करे, बोला कोई सन टोक कर देख ले बिड़ते नू कतरे के बीमारी है, तो भाई उन चीजा तो बाहर निकलो, अपना बढ़िया डॉक्टर चुनना, बढ़िया इलाज और उसके एग्जाम्पल ठह लो, इनके बारे में पूछ लो पेशेंटा ने खुद बताया। तो ये है भाई अपनी मिट्टी और ये है अपना मिट्टी का स्वाभिमान और गौरव। ये सटीलर सिल्वर वाले ने भीतर थोड़ा गड़बड़ तो कर दी, सिल्वर वाले ने तो गणी। चलो फिलहाल आम जुड़े थे और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, 20-20 ग्रुप में हम शेयर करियो क्योंकि नुका हर जान कीमती है, किसी ने बढ़िया डॉक्टर नहीं मिला, लकवा का चौथी स्टेज वाला कैंसर ने को बढ़िया डॉक्टर नहीं मिला तो भाई वह बेचारे अपनी जिंदगी का हाथ खोल, जिनका जाओ ने बेरा पटे जिस पर बीतता हुआ था। चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे कि किसी किसी लोगों को ये शंका रहती है कि कोई थेरेपी करेंगे, कीमो वगैरह करेंगे या फिर कोई काट पीट करके, जैसे किसी किसी को शरीर में गांठे हो जाती है ना, क्योंकि कैंसर तो एक गांठे का ही रूप है, बिना काटे पीटे बिना किसी प्रकार से वो सारी की सारी किसी भी प्रकार की गांठे हो, कैंसर की भयंकर से भयंकर बीमारी, कैंसर की जो फोर स्टेज की सब ठीक है। अच्छा एक चीज और आखिरी सवाल, मतलब घर जाके भी कुछ पेशेंट पर आए जावे, मतलब घर भी फैसिलिटी? हाँ जी देखो हमारे पास स्टाफ ऐसा है कि अगर कोई ऐसे हैं कि वो जो चल फिर नहीं पाते हैं तो उनको ये स्टीम थेरेपी वगैरह है, घर पे जाके उनका उपचार करते हैं, और जो बाहर अदर कंट्री में है या फिर अदर स्टेट में है तो उनको कोरियर के माध्यम से दवाइयाँ हम सब जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो भाई सब इलाज के पैसे भी लगे, सारी बात जायज और नजायज की बात है, जायज ले लो डॉक्टर, नजायज ले लो डाकू, तो उसकी बात हो जाए जैसे कोई की पीछा सिस्टम की बात है जे, तो चलो छोड़ दो इस सवाल ने छोड़ा नहीं, सवाल क्यों छोड़ दो, पैसे की बात है। हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटलों को देखते हैं कि बड़ा खर्चा आता हुआ, लेकिन ये अपना हॉस्पिटल ऐसा है कि इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, इसमें गरीब से गरीब हर प्रकार के व्यक्ति अपना एक सामर्थ्य अनुसार मतलब अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं पे कर पाता है, जिसका सामर्थ्यवान नहीं है, उसको हम निःशुल्क चिकित्सा दे सकते हैं और देते हैं। यूँ मैंने ज्यादा छोटे था सवाल क्योंकि पहले कर लिया था, इसके छोटा था, चलो कर दो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा दे, हाँ जी कहो जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम वजीर है मेरे भाई। अच्छा दो वजीर हैं अपने भाई, राजा कड़ा भाई वजीर नीचे है राजा नीचे मार वीडियो देखो ताऊ जी, देखो बढ़िया लगे स्वाद आवे है, चलो अम्बे। ये जो बच्चा के बारे में जो कह रहे थे ना, परिश्रमी है, सारे बंदे परिश्रमी हैं और पेशेंट के साथ मतलब मेहनत करके और उस बात का रिजल्ट बिल्कुल 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 ठीक ले आओ। चलो कर दो सेम का इंतजार था, आपने करना पड़ा। हाँ ठीक बात है, बाकी जो है ना बहुत बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं बड़ा के और मेहनत करे
चलो मेहनत है तो सफलता भी है, और वह सफलता ही अपनी जी मान जी किसी मरीज ने ठीक करके घर भेजे तो वह इनकी सफलता है। दोनों वीर मर्द घोड़े गए बना दिए, मेरा भी आड़ा भी इधर थकड़ में वाली बात है, बिल्कुल फ्रेश बना दिए। कर दो भाई शेर चाहिए भाई, बिल्कुल आराम ने लुटोगे। हाँ, खास करता नहीं है ना। चलो ठीक है जी।